हमारी जो फाउंडेशन है वही स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट बिना ट्राई करे अगर रो रहे हो देन प्रॉब्लम तुम में ही है। सबसे मक्कार काम करोगे, यूट्यूब पे आओगे, 10 मिनट 5 मिनट वाली वन शॉट देखोगे और समझोगे कि हाँ भाई ये करके मैं साइंस का पेपर टॉप कर सकता हूँ। तुम्हारी पोजिशन में बताती हूँ क्या बच्चे ऐसे होंगे जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो फिर भी मार्क्स नहीं ला पा रहे हो, बट कुछ बच्चे अभी ऐसे भी निकलेंगे जो कम टाइम में पढ़ के प्रॉपर प्लानिंग से पढ़ के उतने ही मार्क्स ला पा रहे हैं। तुम्हें ये चीज़ सुन के बहुत दुख होगा, बट दुख नहीं करना है, हमें चीज़ें समझनी है। क्यों? क्योंकि अभी भी टाइम बहुत है। एंड वही चीज़ मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे हम हमारा स्टडी प्लान चेंज करें। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास कि हमारी जो फाउंडेशन है वही स्ट्रॉन्ग नहीं है। फाउंडेशन मीन्स कि तुम्हारे जो बेसिक्स हैं, जैसे अगर तुम क्लास 10th में पढ़ रहे हो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर, अब ऑक्टेट रूल नहीं क्लियर है, ड्यूप्लेक्स रूल नहीं क्लियर है, वैलेंसी कहाँ से समझ आएगी, टॉपिक्स ही क्लियर नहीं है। साइंस में एक एग्जाम्पल दिया, इंग्लिश में एग्जाम्पल ले लो, लेटर टू एडिटर सीख रहे हो, बेसिक इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर का समझ नहीं है, डायरी एंट्री बेसिक नहीं आती, नोटिस राइटिंग बेसिक नहीं आती, तो इतनी एडवांस लैंग्वेज जो CBSE देता है पेपर में उससे कहाँ से कोप करोगे यार। तो यही चीज़ है कि तुम्हारी जो फाउंडेशन है वो तुम्हें CBSE की एक्सपेक्टेशन तक लानी है, CBSE के मार्क तक लानी है। वो कैसे लाई जाएगी? बाय प्रैक्टिस एंड बाय प्रॉपर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस पे ध्यान दो एंड अपनी फाउंडेशन बिल्ड करो। नेक्स्ट पॉइंट आता है अब कंसिस्टेंसी का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम 0% प्रोग्रेस आज करो कोई दिक्कत नहीं है, 0% प्रोग्रेस कल करो कोई दिक्कत नहीं है, 0% प्रोग्रेस परसों करो कोई भी दिक्कत नहीं है, बट दैट 0% प्रोग्रेस शुड बी आफ्टर ट्राइंग। अगर कंप्लेन कर रहे हो रिजल्ट नहीं आ रहा है, खुद से पूछ लो ट्राई किया या नहीं किया। ट्राई करके भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, वी आर कंप्लीटली फाइन विद इट, कोई दिक्कत नहीं है। बट बिना ट्राई करे अगर रो रहे हो देन प्रॉब्लम तुम में ही है। एंड तुम्हें बिगिन करना है अभी से तरीके से पढ़ना, भले रोज एक घंटा निकाल पा रहे हो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, एक घंटा ही निकालो एंड वो सफिशियंट होगा। बट कंसिस्टेंटली पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत बड़ी प्रोग्रेस करने से। सो कंसिस्टेंसी इज द की। एंड लास्टली एक पॉइंट कि तुम एग्जाम अटेम्प्ट ही नहीं करना जानती हो, मतलब जो एग्जाम का पैटर्न है, जो बोर्ड का प्रेशर होता है, वो तुम डील ही नहीं कर पाते हो, वो तुम ले ही नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास हैबिट नहीं है। तुमने चैप्टर समरा, तुम्हारी पोजिशन में बताती हूँ क्या है। अभी तुम क्या हो? हाफ ईयरली आने वाले हैं, सिलेबस ही नहीं पता। एक दिन बैठोगे, सबसे मक्कार काम करोगे, यूट्यूब पे आओगे, 10 मिनट 5 मिनट वाली वन शॉट देखोगे और समझोगे कि हाँ भाई ये करके मैं साइंस का पेपर टॉप कर सकता हूँ। तुम्हें सही में लगता है कि जो बच्चा 90% ला रहा है वो ये करता होगा? तो तुम खुद को उस बच्चे से कंपेयर किस बेसिस पे कर रहे हो? उनने बहुत क्लियरली समझा है कि पेपर का पैटर्न क्या है, उनने बहुत क्लियरली समझा है कि एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है। तुम ये चीज़ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो बिना PYQ सॉल्व करे, बिना कोई फीडबैक लिए? अब ये चीज़ तुम्हें रियलाइज हो गई, इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन मैंने 100 बार पहले भी बताया, आज भी बताती हूँ, विच इज़ osval.io, जहाँ पे तुम्हारे पास होंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट होंगे, तुम स्मार्ट AI टूल से अपनी आंसर स्क्रिप्ट अपलोड कर सकते हो एंड विद इन 24 आवर्स आपको फीडबैक मिलेगा, आपको AI ड्रिवन फीडबैक मिलेगा, कैसे आपका आंसर गया, आपने क्या गलती करी। सो इट इज़ लाइक अ टीचर ऑन योर मोबाइल फोन। लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डेफिनेटली ट्राई करो। तो ये 3 पॉइंट डेफिनेटली याद रखना कि हमें कंसिस्टेंट रहना ही रहना है अगर हमें कुछ डिफरेंस देखना है। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड।